ओडिशा सबोर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पर जो 2712 पोस्ट बाहरी और वर्तमान फॉर्म पड़ू ये तीन टा पोस्ट पर गोटे फॉर्म पड़ा कारण ये हूँ कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिशन ये जो गोटे फॉर्म पड़ो ए गोटे ही रिटन एग्जामिशन हम आपर जो तीन तीन प्रकार पोस्ट रही तो से पोस्ट प्रिफरेन्स अच्छी से पोस्ट प्रिफरेन्स पोस्ट चॉइस केमी देते ता विषय में डिटेल्स कहे सहित आपड़ फॉर्म केमी पकड़े स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स कहे तो आपड़ फॉर्म पकड़ा चाहते वीडियो लास्ट पर्यटन देखते आप कंप्लीट इनफर्मेशन पारे और निर्भुल भाव में निजे फॉर्म पकई पारे कौन से दुकान भी फॉर्म पकई पारे तेज एडवर्टाइजमेंट निश्चित आपने पढ़ी नहीं थे और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके चेक कर नहीं थे जब चेक करना बर्तमान आम देखा जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाई अप्लाई ऑनलाइन आपड़ क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन आप क्लिक कले फास्ट आपर एक गोटे ऑप्शन आसूँ जमर रजिस्टर आउ गोटे हूँ न्यू यूजर रजिस्टर्ड यूजर से मैंने जो मैंने ओडिशा सबोर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन में आगर कौन भी पोस्ट बाहरी तो से फॉर्म पकई फास्ट जो फॉर्म पकाउं आपको रजिस्टर करने पड़ो तो रजिस्टर कलापर आप यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है से यूजर आईडी पासवर्ड देखिए जो मैंने रजिस्टर यूजर जो मैंने आगर यूजर आईडी पासवर्ड अच्छी तो से रजिस्टर यूजर सेजिस्टर यूजर में क्लिक करके रिरेजिस्टर करके फॉर्म टी अप्लाई करेंगे जो मैंने आगर के फॉर्म पकई ना तो आपने न्यू यूजर उपर क्लिक करेंगे आपने फॉर्म पकेबे तो प्रथम आपको रजिस्टर करने पड़ो तेज ये जो ऑनलाइन रजिस्टर रही है 26 अक्टोबर 20 नवंबर पर्यटन तापर ऑनलाइन एप्लीकेशन से 26 अक्टोबर 25 नवंबर पर्यंत आपर डेटी रही तेज मुझक न्यू यूजर विषय में आपको डिटेल्स कहीदे तेज न्यू यूजर पर आप फास्ट क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आपको ये एक मतलब इंस्ट्रक्शन आसव ये जो इंस्ट्रक्शन आसूक आप चाहती भल भाव पढ़ी ने प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे आप ओके क्लिक करेंगे ये आपको गोटे मेल आईडी मागुच और मोबाइल नंबर मागुच जो मेल आईडी आप देते सहीटा जो गोटे भल भैलीड मेल आईडी होगा दरकार कारण से ओटीपी जीवन तहत मोबाइल नंबर टी आज जोटा देते से मोबाइल नंबर में ओटीपी जीव तेज मेल आईडी देते सहीटा से मेल आईडी आउ थे देते और मोबाइल नंबर देते से मोबाइल नंबर टी आउ थे देते और ये आज कैप्चा लिखा जाए से कैप्चा टी आज ये फिलअप करेंगे फिलअप कला आपण प्रोसीड ऊपर आपण क्लिक करेंगे प्रोसीड रे क्लिक कला पर आपन को मोबाइल नंबर को एवं आपन को मेल को गोटे गोटे ओटीपी जाइथबो जदि आपन मेल मेल रे फर्स्ट मेल रे चेक कर देबे मेल रे मोबाइल ओटीपी एवं मेल ओटीपी दीटा जक मधे शो होइथबो तो सेटा आपन देबे ओटीपी दे सारा पर आपन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे एवं ए नेक्स्ट ऊपर क्लिक कला पर वर्तमान आपन को रजिस्टर बा फर्स्ट रजिस्टर टी आरंभ हो बा फॉर्म टी आपन माने पकाई परिबे तबे एतिक ही आपन मानन को फर्स्ट शो करइबो तापर आपन यूजर चेक अवेलेबिलिटी जोडा रही चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी दे सारा पर आपन को फॉर्म टी डायरेक्ट ओपन हो जइबो तबे एठी आपन फर्स्ट ऑप्शन जोडा रही एठी जे आपन प्रेजेंटली बीइंग डिबेरेड कोनसी आपन को यूनियन स्टेट सर्विस हो बा हमर सिलेक्शन बा रिक्रूटमेंट कोनसी भी कमीशन बा कोनसी बोर्ड तरफ आपन के डिबेरेड हेइ चंती कि तो एटा फर्स्ट आपन नो करिवे एवं तापर रही ठीक आपण करिवे जे आपण ओडिया कहि पारुचंती ओडिया पढ़ी पारुचंती एवं ओडिया लेखि पारुचंती ए तीनटा जगह आपण सिलेक्ट कर देबे एवं तापर आपणकर ऑप्शन रही जो थे कि ओडिया लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड ए ओडिया लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट करिकि आपण एटा सिलेक्ट करिवे जे पास ओडिया लैंग्वेज जोटा कि आपणकर सप्तम श्रेणी बा ता ऊपर को आपण ओडिया आमर ओडिसा गवर्नमेंट तरफ रु जोटा कि आपणकर स्कूल ओडिया गोटे लैंग्वेज हिसाब से रखिक आपण पास करचंती किंतु आउ गोटे कथा रही जे आपण माने जो माने ओडिया रो सब्जेक्ट रखिक पढ़ी नाता आपण माना प्रॉब्लम हो पारे कि आम जेहतु ओडिशार पिला तो आम समस्ते आम ओडिया लांगुएज रखिक पढ़ीचे तो आप लास्ट ऑप्शन टी आप चूज करेंगे रही जोटा कि चेक एबिलिटी चेक यूजर नेम एबिलिटी आप मिनिमम 8टा क्यारेक्टर देते मन करूँ आप कौन से एक क्यारेक्टर देते जे मुझे ये देली मंटू ओके 1 2 3 तेज ये 8टा क्यारेक्टर होगा तेज ये चेक यूजर नेम एबिलिटी आपंकर अवेलेबल नसबी किंतु जब अवेलेबल थी तेज फॉर्म टी ऑटोमेटिक आपंकर आसीजो किंतु एटा सेटा जेहेतु अवेलेबल ना तेज एटा नौ ना मुझे चेंज कर दूसरी जे आपंकर आउ गोटे जिन आउ गोटे लेटर कि आउ गोटे नंबर आपदेबे जदि आपंकर अवेलेबल नाटा अवेलेबल होवेलेबल हो गले आपंकर फॉर्म टी आग को बढ़ वर्तमान फॉर्म टी मो चेक अवेलेबिलिटी आसीगला जोटा कि ये यूजर नेम टी अवेलेबल अच्छी तापर फास्ट डायरेक्ट रही पोस्ट प्रिफरेन्स ये पोस्ट प्रिफरेन्स कौन एक तुम्हें पोस्ट प्रिफरेन्स हूँ जो आरेन्ज हो रही पोस्ट गुड़िकी आप चाहते रिअरेज करेंगे से जमीती कि फास्ट फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर और तापर लाइफ स्टेक इन्स्पेक्टर रही तेज यही जो आरेन्ज होती रिअरेज करने चाहते मन करते प्लस टू साइंस पिलाटे सी फास्ट फॉरेस्टर सिलेक्ट दबर फॉरेस्ट गार्ड तापर जदि गोमित्र रही सेटा दबा
तबे जदि आपण माने केवल मैट्रिक पास करचंती ताहाले आपणकर जो आरेंज हेक रही आप फॉरेस्ट गार्ड पर क्लिक करदे से हिसाब से आपणकर आरेंज हेक रहिला ओके किंतु जदि आपण देखिबे जे आपणकर पोस्टटी आपण प्लस टू साइंस पिला ताहाले आपण फॉरेस्टर उपर सिलेक्ट करिवे एवं सेइटा को ऊपर को नै जिवे आपण देखंतु फास्ट आपणकर फॉरेस्टरटी आसीगला किंतु आपण जदि केवल मैट्रिक पास करचंती बा प्लस टू आपणकर आर्ट्स बा प्लस थ्री आपणकर अछि किंतु आपणकर प्लस टू साइंस नहीं तो बा गोमित्र बा आपण फॉरेस्टर पर एलिजिबल नुहंती तुम्हें केवल फॉरेस्ट गार्ड उपर सिलेक्ट करिवे ताकू अरेंज कर देबे एवं सेतिरे फॉरेस्ट गार्ड टी फास्ट रहिबो एवं एई पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस माने हला या भलो भाबरे बुझंतु जे आपण जेतेबेले फॉर्म टी पकाइ चंती आपण जेते मार्क रखंतु ना काहेकि आपणकर फास्ट प्रेफरेंस जोटा देइचंती सेइटी आपणकर फास्ट चाकरीटी आपण पाई परिबे तबे प्लस टू साइंस पिला तो आपण माने फॉरेस्टर टाकु फास्ट प्रेफरेंस दबो सेकंड रे फॉरेस्ट गार्ड दबो एवं लाइफस्टॉक तो इन्स्पेक्टर तापर ऑटोमेटिक रहिबो एवं अलगा जो पिला रहिले जो माने गोमित्र बा हमरो लाइफस्टॉक इन्स्पेक्टर सेते गोमित्र जो माने अछंती से माने फास्ट जो 40% पिक आप फास्ट देबे सिलेक्शन सेकंड रे आप 60% को देबे थर्ड रे आप फॉरेस्ट गार्ड बा फॉरेस्टर रहिबो फोर्थ रे आपनकर फॉरेस्ट गार्ड रहिबो ओके आपण ए पोस्ट प्रेफरेंस को भलो हाबो जानि पाइले तेनु एठे स्पेशियली मु फॉरेस्ट गार्ड आ चूज करछि जो हिसाब रे अरेंज रहितला सेही हिसाब रे मु रखिली एवं जदि कोनोसी पिला फॉरेस्टर टा को आगे दबा पई चाहिबो जो माने प्लस 2 साइंस एलिजिबल आपनकर होउछि ताले फॉरेस्टर उपर क्लिक करकि ए जो एरो होउछि ए एरो को ऊपर को दे देले आपनकर फॉरेस्टर टी आगे आसीगला तेनु जो अरेंज हेक रहिछि सेही अरेंज हिसाब रे आपण माने रखिबे सेही अरेंज हिसाब रे रखिले जे आपनकर ए जो फॉरेस्ट गार्ड रही देखो फॉरेस्ट गार्ड स्टार्टिंग रही आरेंज हिसाब से आपणकर रहिला जदि पोस्ट प्रिफरेंस विषय में बुझी न पारिचंती जो माने मैट्रिक पास पिला केवल आपणकर केवल फॉरेस्ट गार्ड पई होची तो आपण सिलेक्ट करिवे फास्ट फॉरेस्ट गार्ड पर सिलेक्ट करदे जो हिसाब से अरेंज हेक रही से हिसाब से रहा दरकार ओके किंतु जो माने डिजेबिलिटी पिला से माने लाइफस्टॉक इन्स्पेक्टर टाक आगे को नबो जो माने फॉरेस्टर पिला से माने फॉरेस्टर टाक आगे को नबो मु पोस्ट प्रिफरेंस वीडियो रे डिटेल्स रे कहि देबी पोस्ट प्रिफरेंस कोन केमिति जागिर पांती ओके सिलेक्ट विषय मु आपन को कहि देली फास्ट आपन सिलेक्ट कर देले ओके सेकंड रे रहउची आपन कोटी रिटिन एग्जामिशन दबापाई चाहूँचंती तो रिटिन एग्जामिशन आपण ऑल ओडिशार जितकटा डिस्ट्रिक्ट देती आपण जे कौन से डिस्ट्रिक्ट रही था कहीं आपण जो डिस्ट्रिक्ट चाहिए से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आपण से एग्जाम टीपारे तेणु आपणकर डिस्ट्रिक्ट एग्जाम सेन्टर टी आप चूज करेंगे तापर आपण जेंडर चूज कला आपण कैटेगरी चूज करेंगे कौ कैटेगरी आपण आसुचंद से सिलेक्ट कैटेगरी उपरे क्लिक करके आपण जो कैटेगरी तो आपण निश्चित से ही कैटेगरी जो माने यूआर पिला यूआर चूज करिवो एवं जो माने एससीबीसी पिला एससीबीसी चूज करिवो एवं जो माने एससी जो माने एसटी समान चूज करिवो तो यहाँ एससीबीसी पिला तेणु मुझे एससीबीसी चूज कली तेरे कैटेगरी सिलेक्ट कर सारा पर एंटर सब कैटेगरी रही सब कैटेगरी ये जो पिलार एससीबीसी तार फॉर्म पड़ू तो सी तार खंडायत रही सब कैटेगरी तेज खंडायत दिगला जब आपर कैटेगरी सब कैटेगरी जापार ना आपण घर जो जमीवाड़ी पटा रही थोड़ा से पटार देखिए आप घर पचारे भी सब कैटेगरी आपणकर जातिटा जहाँ अच्छी तो सहीटा कहीदेवे जमीक ये पिला राउत अच्छी तो राउत आपर चाषी चाषी जोटा कि पटार लिखा जाए खंडायत लिखा जाए तेज सहीटा सब कैटेगरी खंडायत दिगलापर रही स्पेशल कैटेगरी सिलेक्ट करने स्पेशल कैटेगरी में एक्स सर्विस मैन स्पोर्ट्स पर्सन और डिजेबिलिटी पिला तो जदि आप कौन प्रकार डिजेबिलिटी आपन सेटा सिलेक्ट करेंगे आपन पाकर कौन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अच्छे आप स्पोर्ट्स पर्सन तो आप स्पोर्ट्स सिलेक्ट करेंगे एक्स सर्विस मैन जब आपंट तो आप एक्स सर्विस मैन सिलेक्ट करेंगे ओके तापर नेक्स्ट रोचे जे आप गोमित्र कि आप जो गोमित्र जब होते तो आप रोचे 40% रिजर्वेशन रोचे तेज जब आप गोमित्र हिसाब से कम करते हैं क्लिक करेंगे तापर रोचे डेट ऑफ बर्थ आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ आप डेट एवं मंथ एवं ईयर देवे रोचे आपणकर मिडिल नेम एवं आपणकर लास्ट नेम यहीटा भल भाव टी भी भूल करना एपड़ मेट्रिक सर्टिफिकेट हिसाब से देखिए आपणकर ना टी दबर रोचे आपा ना जब आप लेडिज ताल आप हजबैंड ना देते तेज आपा ना सिलेक्ट करेंगे आपणकर बापार फास्ट नेम एवं मिडिल नेम एवं लास्ट नेम जब मिडिल नेम ना फास्ट नेम एवं लास्ट नेम देते रोचे माँ को ना फास्ट नेम एवं माँ का मिडिल नेम एवं माँ का लास्ट नेम जदि माँ का मिडिल नेम नहीं भी आप फास्ट नेम एवं लास्ट नेम देते रोचे आपणकर मेल आई टी शो कर मोबाइल नंबर टी शो कर यूजर नेम शो कर यही आप पासवर्ड देते आई पासवर्ड टी रिएंटर आउ थे पासवर्ड टी देते ओके
तेज पासवर्ड दे सारापर आपण सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। ओके अपलोड कर सारापर ये जो कैप्चा शो हो कैप्चाटी आप फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप कालापर एटी जो टिक बक्स अच्छी टिक मारे और प्रिव्यू करेंगे। प्रिव्यू में आप सबकि ठीक अच्छे कि ना देखिए तापर जाए सबमिट करेंगे। तेज प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन उपर आप क्लिक करके देखीदे जो आप जो सब देखा सब ठीक अच्छे कि ना देखीदे जदि आप ठीक न था आप एडिट करेंगे जदि ठीक थाए तो आप सबमिट करेंगे। तो आपने जाने रखा उचित जे एथे ये पिलार प्लस टू आर्ट्स था मेट्रिक पास अनुसार गोटे पोस्ट केवल अच्छे जो फॉरेस्ट गार्ड से फर्स्ट चॉइस दि जाएगी। सेकेंड में फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर तापर आप लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर तेज आपश्चित यही हिसाब से हम फॉर्म पकड़े तपुर आप सबमिट उपर क्लिक करेंगे। सबमिट उपर क्लिक कालापर ये रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट हो फॉर्म टी बा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए आप फॉर्म पका हम यहाँ है फास्ट आपर रजिस्ट्रेशन है। ओके तेज ये जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन हो सारापर आपर यहाँ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइम शो करदेव यहाँ आप बर्तमान फॉर्म पकेबे। फॉर्म पकाया गो टू लॉगिन उपरे क्लिक करेंगे आपणकर ऑटोमेटिक आप जाकि लॉगिन करें गो टू लॉगिन उपरे क्लिक कले भी आपठ लॉगिन करेंगे। ओके तेज गो टू लॉगिन उपरे क्लिक कालापर आपको डायरेक्ट लॉगिन ऑप्शन आसी जो थे कि आप यूजर नेम कि रजिस्ट्रेशन नंबर कि मोबाइल नंबर का मेल आई डी आपकी आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कला बेले आपठ यूजर नेम देते लास्ट मोबाइल नंबर भी देपारतीपर आप जो पासवर्ड से देते से पासवर्ड देते नचे आपड़ जब चाहती मतलब ये मोबाइल नंबर देखिए लॉगिन ओटीपी मारदे तो आप मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जब से ओटीपी देखिए आप लॉगिन करेंगे। तो जदि आप लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड आप दूसरे आप कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करापे आप डायरेक्ट लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक कालापर आप देखिए जो आप जो फॉर्म टी पकाउंट वर्तमान जो मैंने फास्ट न्यू यूजर तो आपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टी कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टी ग्रीन होतापर वर्तमान प्रिव्यू आम बर्तमान फॉर्म पकाउंट फास्ट जोटा गला रजिस्ट्रेशन तो आपर देखिए आपर जो ये भूल चिन्ह जोटा अच्छी तो से ठीक नाला पर्यटन आपर फॉर्म टी क्लीयर होना जानवे तापर आप डायरेक्ट आसवे प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन ये प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन उपर आप क्लिक करेंगे। ओके प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कालापर आप जो रजिस्ट्रेशन करता भल भाव आप चेक करेंगे ठीक अच्छे कि नापर आपड़ी चाहती एडिट उपर आप क्लिक करके एडिट करें नचे आप कनफर्म उपर क्लिक कले कनफर्म हो थे रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चेज करें। ओके आप चेक करदे जब ठीक ठाक अच्छे तेज कनफर्म करदे। कनफर्म हो गलापर आपणकर प्रिव्यू रजिस्ट्रेशन टी ग्रीन टी आसपर रोच डॉक्यूमेंट डिटेल्स। डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपन को एठी प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स क्लिक करने पड़ो। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप क्लिक करेंगे। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स क्लिक कालापर फास्ट सिलेक्ट आईडी प्रूफ रोचे जो थी कि आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड नंबर आपन देबे एवं केउं डेट रे इश्यू होता से डेट टी देबे एवं एथरे यूजिंग अथॉरिटी जोटा रही से अच्छी ऑप्शन टी अच्छी ऑप्शन टी सिलेक्ट करेंगे। तापर रोच प्रोवाइड सर्टिफिकेट डिटेल्स। सर्टिफिकेट डिटेल्स रे फास्ट रोज रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये हूँ ऑप्शनल अच्छी आपर जब रेसिडेंट सर्टिफिकेट अच्छी तार मिसकेस नंबर सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिसकेस नंबर टी देबे एवं कौ डेट रे से इश्यू होता से डेट टी देबे एवं आपर कौ तहसिल इश्यू होती से तहसिल टी आपन सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट ऑप्शन अच्छी आपन जो तहसिल जो आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट काढ़ी से ऑप्शन टी इश्यूइंग अथॉरिटी आप सिलेक्ट करें। तापर रोज कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जब आप अलग कौन से कास्ट में यूआर कास्ट में होता है आप पड़ोन आप एससी एसटी ओबीसी एससी बीसी कास्ट जब आप कास्ट सर्टिफिकेट शो कर जो थी कि आपर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और कौ डेट्रे इश्यू होता है इश्यूंग अथॉरिटी जो रही आप सिलेक्ट करेंगे। कितु आप जानी रखु आप वर्तमान जब रेसीडेंट सर्टिफिकेट ना आप कास्ट सर्टिफिकेट ना तो भी आपड़ा किसी फिलअप करा कि आवश्यक ना कारण यहाँ ऑप्शनल अच्छी आपत दे चलो नदे भी चलो। तापर रोच आपर मेट्रिक सर्टिफिकेट नंबर। ओके मेट्रिक्रे आप सर्टिफिकेट नंबर एवं केउ डेट रे आपण इश्यू होता डॉक्यूमेंट एवं आपणकर सिलेक्ट यूजिंग अथॉरिटी जोटा कि आमर ओडिशार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा रहुची। ओके ताको सिलेक्ट करेंगे ता सहित आपणकर सर्टिफिकेट नंबर देबे एवं आपणकर कौ डेट रे इश्यू होता देबे तापर आपणकु सबमिट करेंगे। सबमिट कलापर एड सक्सेसफुली आसीजिबो एड सक्सेसफुली आपणकर परे तापर कन्फर्म ऑप्शन अछि आपण कन्फर्म करेंगे। किंतु कन्फर्म कला पूर्व आप चेक करनेबे आपण जहां देइछंती एक्जेक्टली से सब ठीक अछि कि नहीं नचत आपण एडिट ऑप्शन ले एडिट करि परिबे। कनफर्म कर सारापर आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स टी ग्रीन आसीजिबो तापर आप पर्सनल डिटेल्स आड्रेस डिटेल्स। ओके तापर क्वालिफिकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल्स एगुड़ा आप फिलअप करने पड़ो तो से आप रोचे जो ऑप्शन पर्सनल डिटेल्स से आप अप्लाई नाउ उपरे क्लिक करेंगे।
अप्लाई नाउ पर क्लिक कला पर फास्ट ऑप्शन पर्सनल डिटेल्स ओके तापर एड्रेस डिटेल्स ये सब आपको फिलअप करने पड़ो ये स्टार मार्क जोटा दि जाए से हिसाब से स्टार मार्क जो भी रही है फिलअप करा मैंडेटरी फास्ट आपर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रजिस्ट्रेशन समय आप जहाँ देते से गुड़ाक आसी जाइए तापर रही है आपड़ ये सिलेक्ट करेंगे जो आपर मेटेरियल स्टेटस मेटेरियल स्टेटस आप मैरिड कि अनमेरिड सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट नेशनलिटी आप इंडियान सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट रिलीजन में आपर धर्म जहाँ अच्छी आप हिंदुजम होते आप हिंदुजम सिलेक्ट करेंगे अलग कौन धर्म होते आप सिलेक्ट करेंगे पर एंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क रे आपनकर बॉडी रे कोनोसी गोटे आइडेंटिफिकेशन मार्क रही जदि आपन ताको लेखिबे जेमिति कि आपनकर मन करंतु नाक रे आपनकर गोटे कला जाय अछि लेखिबे वन ब्लैक मोल ऑन माय नोज ओके सेमिति एग्जैक्टली आपनकर बॉडी रे जोटि भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अछि ताको सिलेक्ट करिवे तापर आपनकर केही भी फैमिली मेंबर भितरे केही भी ओडिसा सब डिविजन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रे काम करूछंती कि जदि काम करूछन यस करिवे नचत आपन नो करिवे तापर आपन सेव करिवे एवं आपन नेक्स्ट स्टेप उपरे आपन क्लिक करिवे नेक्स्ट स्टेप उपरे क्लिक कला परे आड्रेस डिटेल्स आसो आड्रेस डिटेल्स आपने जानते जो आम जो स्टार मार्क रही है से गुड़ा फिलअप करा मैंडेटरी अलग गुड़ा फिलअप करा किसी आवश्यक नहीं चाहिए भी फिलअप करेंगे ना ना कि आप चाहिए ये आपर केयर अफ जो आपर बापा ना कि हाउस नंबर लिखिपारे आपर गाँ ना लिखिपारे ओके जदि आप चाहते लिखे नचे न लिखने भी किसी असुविधा नहीं आपर पोस्ट ऑफिस नेम एवं पुलिस स्टेशन नेम एवं आपर टाउन नेम सिटी नेम तापर सिलेक्ट स्टेट जोटा रही है आप सिलेक्ट ओडिशा सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे युवा जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ आधार कार्ड हिसाब से सिलेक्ट करदे नचे आप मेट्रिक सर्टिफिकेट जो आड्रेस रही है से आड्रेस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ओके आपर तहसिल सिलेक्ट करेंगे पिनकोड देते हैं अल्टरनेट मेल आई डी मांगी जब आप चाहते देते नचे ना रोचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देते कंपलसरी ओके आपर जी बर्तमान जो आम कम्युनिकेशन आड्रेस आपर परमानेंट आड्रेस सेम रही है परमानेंट आड्रेस कम्युनिकेशन आड्रेस अनुसार आपड़ी टिक मारदे नचे जब आप परमानेंट आड्रेस अलग रही है परमानेंट आड्रेस जहाँ जहाँ मांगी से गुड़ाक आप फिलअप करेंगे पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन ओके सिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसिल एक्जाक्टली से गुड़ा आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कला फिलअप कला आप सेव उपर क्लिक करेंगे तापर आप नेक्स्ट स्टेप को जीवे ओके नेक्स्ट स्टेप उपर क्लिक करेंगे तेज सेव उपर क्लिक कर सारापर जब आप चाहते एडिट करने एडिट करेंगे नचे आप नेक्स्ट स्टेप उपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप उपर क्लिक कला क्वालिफिकेशन डिटेल्स आसो क्वालिफिकेशन डिटेल्स एसेंशियल निहाती आवश्यक क्वालिफिकेशन टेन्थ पास रही तो आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आप टेन्थ एच एस सी आसी जाए पासिंग ईयर कौ वर्ष आप टेन्थ पास करते सिलेक्ट करेंगे रोचे आप स्कूल पास करपर रही है ये आप बोर्ड सिलेक्ट बोर्ड बीएससी ओडिशा जोटा कि आम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा रही आप सिलेक्ट ये अदर सिलेक्ट कर आपर स्कूल नाम लिखे ओके लिखला ग्रेडिंग सिस्टम रोचे ग्रेडिंग सिस्टम रे आपड़ सिलेक्ट करेंगे सिक्योर मार्क टोटल मार्क एंड परसेंटेज जोटा रोचे सिलेक्ट करके आप टोटल मार्क के रखी टोटल केते मार्क परीक्षा होता है परसेंटेज के सिलेक्ट कालापर जो अप्सन रोचे आप बिना अप्सनाल नहीं आप मार्क इनक्लूडिंग रही तो सीटा आप ठिक मारे रोचे आप सर्टिफिकेट नंबर देते आपर मार्कसीट नंबर देते सेव करके नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे तेज नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्लस टू साइंस या प्लस टू वोकेशनल जो मानकर अच्छे तो से प्लस टू साइंस वोकेशनल देवाई कहूँ जदि आपखे अच्छी आप देते जदि ना आपखे आई डोंट हैव दिस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे ओके जदि आप प्लस टू साइंस अच्छे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आप प्लस टू साइंस क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे क्यों वर्ष पासिंग करो कलेज रु सहित कौ काउनसिल रु सहित ग्रेडिंग सिस्टम केते मार्क रखी थे टोटाल मार्क के परसेंटेज आप ऑप्शनल छाड़ी आप मार्क रही कि नहीं सहित सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट ओके मार्कशीट नंबर तापर सेव करेंगे नेक्स्ट्रे क्लिक करेंगे तेज जदि आपखे ना आप केवल जब फॉरेस्टर सॉरी फॉरेस्ट गार्ड अप्लाई करते तेरे इतने सिलेक्ट करेंगे आई डोंट हैव दिस क्वालिफिकेशन ओके आप सिलेक्ट क्वालिफिकेशन आई डोंट हैव दिस क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट करेंगे कलापर आप जो मेट्रिक देते तो से मेट्रिक जब आप चाहते एडिट करने एडिट करेंगे नचे जो चाहते डिलीट करने डिलीट करेंगे आप सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन में क्लिक कलापर आप क्वालिफिकेशन आपर प्लस टू क्वालिफिकेशन आसी जाए वोकेशनल कोर्स आसी जाए जदि आपर वोकेशनल जो मैंने गोमित्र पकाच तो से वोकेशनल सिलेक्ट करेंगे ओके आपर जहाँ सब मागी जमीक आप सिलेक्ट डिसिप्लिन आप वोकेशनल आउ सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कौ वर्ष पास कर कलेज कौन थी कौ काउनसिल पास कर सहित ग्रेडिंग सिस्टम आप ग्रेडिंग सिस्टम देते आपर जहाँ भी मार्क रखी थे टोटाल मार्क के
ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏକୁ ଆପଣ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋକେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ବା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ବା ମାର୍କସିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭୋକେସନାଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଓକେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ତ ଆପଣ ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆନିମାଲ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭୋକେସନାଲ୍ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବି କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ସଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ ଓକେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଭୋକେସନାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ଏ ଅପଲୋଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସିଲେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଫଟୋ କେବଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାଗିଛି ଆଉ ସେଇ ଫଟୋଟି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫଟୋଟି ଆପଣ 20 KB ରୁ 100 KB ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଫଟୋଟି ସେୟାର କରିବେ ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଓକେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିଛି ମାଗି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତେବେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଫଟୋଟି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ବା ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଓକେ ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଛି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ଏସବୁ ଆସିଯିବ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଓକେ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବେ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଅଲ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ତାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ୟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସାଇନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲା ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ନଚେତ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତେବେ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ୟେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ଟି କରିଦେବେ ଓକେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଗୋ ଟୁ ହୋମ୍କୁ ଯିବେ ଗୋ ଟୁ ହୋମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ପକାଇଲେ ସେ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ୍ ରହିଛି ଓକେ ଏଇଟା ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାପରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନଥିଲି ତ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ସୋ କରାଉଛି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ମୁଁ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉଥରେ ସବମିଟ୍ କରୁଛି ଓକେ ତ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆସିଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ସାରିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ ଓକେ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବମିଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ନ ହୋଇଥାଏ ରେଡ଼୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବେ ଓକେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ୟୁଜର୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା କହିଦେଲି ଜିରୋ ଆପ୍ଲିକ ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଦେଲି ଏବଂ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଫଟୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ନଥାଏ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ନଥାଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଓକେ ଆଉ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ ଓକେ ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ କେମିତି ପକାଇବେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜର୍ କେମିତି ଫର୍ମ ପକାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେବି